हरे कृष्णा। आज के चर्चा का शीर्षक है स्पर्धात्मक वृत्ति से मुक्त होना और दूसरों के साथ तुलना न करना। जब हम दूसरों के प्रति तुलना करते हैं तो उस तुलना की भावना से स्वाभाविक रूप से एक स्पर्धा की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कई बार हम विचार करते हैं कि जो हमारे पास ये संपत्ति है, गुण है, कला है, ये अच्छी है, और ये जो दूसरी परिस्थिति हमारे जीवन में आन पड़ी है वो नकारात्मक है, मेरे लिए विपरीत है। लेकिन वास्तव में काल और क्रम के प्रभाव से ये सिद्ध होगा कि वास्तव में वो गुण सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है। इसलिए हम अपनी सीमित बुद्धि से इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। एक कथा आती है हिरण की। हिरण को अपने शरीर के पैर के ऊपर कुछ लज्जा की भावना थी। हिरण को लगता था कि मेरे पैर बड़े ही पतले हैं और मेरे शरीर के आकार की तुलना में वो ठीक नहीं दिखते, और हिरण को लगता था कि मेरे जो सींग हैं ये बड़े प्रभावशाली हैं, मेरे गौरव का कारण है। एक दिन की बात है, एक शेर ने उसके ऊपर आक्रमण किया। हिरण भागने लगा, भयभीत होकर भागता भागता जंगल के मार्ग से अलग अलग वृक्षों के पीछे छलांग लगाता हुआ जब भागा तो उसके मन में विचार आया कि आज ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में जब मुझ पर आक्रमण हुआ है तो मेरे शरीर का वो अंग जिस पर मुझे लज्जा है, मेरे पैर, वो मेरी सहायता में आ गए। और भागते भागते अचानक वृक्षों के कुछ टहनियों में उनका सींग अटक गया और वो अपने सींग को निकालने का प्रयास कर रहे थे, विफल हुए। शेर आकर उन पर आक्रमण किया, उनको नष्ट कर दिया। जिस सींग पर उनको गौरव था वो उनके विनाश का कारण बना। इसलिए भाइयों और बहनों, हम सभी के पास विभिन्न प्रकार के योग्यताएं हैं, अयोग्यताएं हैं, कुछ समृद्धियां हैं, कुछ कमियां हैं। हम अपनी सीमित क्षुद्र बुद्धि के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये समय के साथ परिस्थिति के अनुसार सिद्ध होगा। इसलिए तुलनात्मक वृत्ति को परित्याग करें और क्षण क्षण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने हृदय के अंतःकरण से सर्वशक्तिशाली प्रयास करते चले जाएं। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।